हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायलॉजी सो एज़ पर यू ऑल रिक्वेस्टेड फॉर दैंड रिटर नोट्स सो फाइनली आई एम हेयर विथ माय हैंड रिटर नोट्स सो लेट्स इंजॉय दिस वीडियो एंड आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक को फैक्टर्स को फैक्टर्स विच इज अ स्मॉल टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और बहुत ही ज़्यादा ईल्डिंग टॉपिक है इससे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि जैसे ये वर्ड लिखा हुआ ना को फैक्टर्स ऐसे ही इसका एक टाइप है जिसका नाम है को एन्जाइम तो को एन्जाइम और को फैक्टर ये दोनों बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं और इससे बहुत क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं सो लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि को फैक्टर्स होते क्या हैं को फैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन एंजाइम के अंदर जो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको को फैक्टर्स कहा जाता है जैसे को एक्टर होते हैं जो कि किसी भी मूवी की जो एक कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लेवल वो इंक्रीज कर देते हैं उसी तरीके से ये जो को फैक्टर्स हैं ये किसी भी एंजाइम की कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देते हैं सो so, सबसे पहले समझ में आया को फैक्टर्स विच इज़ अ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टूंेंट्स और इट एक्टिवेट द कैटलिटिक पावर ऑफ एंजाइम अब ये बात याद कैसे रहेगी ये बात याद ऐसे रहेगी कि सी से को फैक्टर सी से ही कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो हमेशा याद रखना तुम सबको पता है कि एंजाइम करता क्या है एंजाइम किसी भी रिएक्शन की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को मतलब कैटा कैटालाइज करता है किसी भी रिएक्शन को मतलब कि इसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है तो याद रखना सी से को फैक्टर सी से कैटालिटिक प्रॉपर्टी अब इसके आगे बढ़ते हैं एक और फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा दैट एपो एंजाइम क्या होता है एपो एंजाइम दैट प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम किसी भी एनजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको कहा जाता है एपो एनजाइम तो याद रखना इसमें पी दिया हुआ है तो पी से हो गया प्रोटीन ठीक है उसके बाद बात आती है कोफैक्टर्स की सो को फैक्टर्स को यहाँ पर हमने तीन काइंड में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप दूसरा है को एनजाइम और तीसरा है मेटलाइंस सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड टाइटली बाउंड विद द एपो एनजाइम मतलब कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये इस प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ मतलब कि एपो एनजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड हो जाता है बिल्कुल टाइटली उससे बंध जाता है इसका एग्जाम्पल है पर ऑक्सीडेज एंड कैटाज विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन एंड इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो होता है हीम पार्ट तो इन दोनों एंजाइम का जो हीम पार्ट है विच इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ दैट एंजाइम ठीक है सबको ये चीज क्लियर हो गई नाउ इसका एग्जाम्पल कैसे याद रहेगा तो इसका एग्जाम्पल ऐसे याद रखना पी से प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक है पी से प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम मतलब कि प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम तो याद रहेगा कि ये प्रोटीन पार्ट से जुड़ा रहता है और इसका एग्जाम्पल भी पी से ही शुरू होता है सो so, पूरा ये कम्प्लीट हो गया नाउ सेकेंड हम बात करेंगे को के बारे में को एनजाइम ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ऐसे ही को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसोसिएशन विथ एनजाइम ट्रेंजियंट तो जो को एनजाइम्स होते हैं ये एनजाइम के साथ बिल्कुल ट्रेंजियंट मतलब कि हम कह सकते हैं थोड़े ही टाइम के साथ जुड़ पाते हैं एंजाइम से बहुत लंबे टाइम तक नहीं जुड़ते जैसे कि हमने प्रोस्थेटिक में पढ़ा कि टाइटली बाउंड हो जाते हैं बट यहाँ पर को एनजाइम बहुत ही कम टाइम के लिए ट्रेंसियंट टाइम के लिए एसोसिएट होते हैं एसेंशियल केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैनी को एनजाइम आर वाइटामस सो ये जो को एनजाइम है इसमें इसेंशियली एक केमिकल कॉम्पोनेंट होता है ऑलमोस्ट सारे ही को एनजाइम के पास जो कि होते हैं वाइटामस और इसके एग्जाम्पल में आता है को एनजाइम एन ए डी एंड एन ए डी पी ये दोनों क्या हैं एन ए डी एन एन ए डी पी आर द को एनजाइम्स जिनके पास जो कंटेन करते हैं नियासिन को नियासिन इज अ वाइटामिन बी थ्री वाइटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है नियासिन और आप इसको याद रखोगे एन से एन ए डी एन से एन ए डी पी और एन से ही नियासिन तो ये बीच वाला आपका पूरा कंप्लीट हो गया नाउ थर्ड पार्ट मेटल आयंस मेटल आयंस क्या करते हैं मेटल आयंस बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पहले एक ही कोआर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं की जो एक्टिव साइट होती है उसके साथ और एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं सब के साथ ठीक है सबको समझ में आई बात मेटल आयंस एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट बनाएंगे सब के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके साथ ये मेन मेटल आयंस का काम होता है मेटल आयंस के एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पर यहां पर एग्जाम्पल मिलेगा जिंक जिंक विच इज अ को फैक्टर फॉर द एंजाइम कार्बोक्सी एंड कार्बोक्सी पैप्टाइटिस इज अ प्रोट्योलिटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है एंड कार्बोक्सीपेपटाइट एंजाइम पेप्टाइटिस जो एंजाइम है ये सिक्रीट होता है बाय द पैनक्रियास ठीक है सो so, आज हमने बिल्कुल बेसिक फैक्ट समझे कि को फैक्टर्स होते क्या हैं एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने इस तरीके से नोट्स वाली वीडियो बनाई है एंड इफ़ यू रियली वांट कि मैं ये नोट्स वाली वीडियो को कंटिन्यू करूं क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट थी इसीलिए मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ सो प्लीज़ अपने लाइक्स के थ्रू मुझे बताना एंड ऑल्सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स